अच्छा है वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो सुबह हो चुकी है, सरगन की मालिश हो चुकी है, अम्मा ने इसका मालिश कर दिया है बेटू का, और ये अभी सो रही है। जब तक ये सो रही है तब तक मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँ और मैं भी नहा लूँ थोड़ा सा। ऑयलिंग डन, ढेर सारा मैंने तेल लगा दिया है अच्छे से एंड क्लीन हो गया है। बीजू का कपड़ा निकाल के रखा है पहनाने के लिए इसको, एंड ये हटाना है दूध का पैकेट, ख़त्म हो गया है। बस ये दोनों वॉश करना है हेयर वॉश के साथ, ये दोनों नहाने का टाइम हो गया है। उठो 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 उठो, बहुत ही गहली नींद में सो रही है, बहुत ही गहली नींद में सो रही है। एक हॉट वाटर हो जाएगा, मिक्स करेंगे हम ठंडा पानी। नहाई धोई होगी, मालिश भी होगी, अब नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। तो फिर इनका हाय गाइस, तो फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है, नहा वहा भी लिया है, बेटू सो रही है आराम से, एंड मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। आज 22 मार्च हो गए और शरण्या हुई थी 23 फरवरी को और कल हो जाएगा उसका एक महीना, ऑल दो टू डेज़ कम है क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो एक तरीके से मेरी डिलीवरी को अभी मतलब एक महीने में 2 दिन बाकी हो जाएंगे कल। सो अच्छा है वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर लाइक सिजेरियन डिलीवरी हो, कोई भी डिलीवरी हो, उसको रिकवर करने में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं, लाइक 1.25 महीने तो 45 डेज तो ऑलमोस्ट लगते ही हैं रिकवर करने में इन बोथ ऑफ द केसेस, लाइक सिजेरियन और नॉर्मल दोनों में। तो अभी जिस तरीके से मैंने ये सुना है और अभी मैं खुद भी ये फील कर रही हूँ कि हाँ लाइक 1 महीना होते होते ना आप थोड़ा सा रिकवर करना, अपना काम खुद से अच्छे से सही तरीके से करना शुरू कर दोगे। प्लस आपको देखो बैक पेन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस स्टिचेस के पास जो थोड़ी बहुत खुजली वगैरह होती है वो होती रहेगी, इचिंग होती रहेगी, एंड ड्राइनेस रहेगा आपके बेली में, एंड बेली फैट जो होता है वो रिड्यूस होता है। डिपेंड्स आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। सो मेरी बॉडी टाइप जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चर्बी कम है, लाइक स्लिम बॉडी टाइप है, तो मेरा जो बेली फैट है वो जल्दी से रिकवर हुआ है, लाइक बहुत अच्छे से स्लिम हो गया है, मुझे अब स्मॉल साइजेस भी फिट होने लगे हैं। एंड डिलीवरी के टाइम तक ये हो गया था मेरा एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो गया था, बट अभी स्मॉल हो गया साइज़, सो आई एम सो हैप्पी। बस थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि यार कहीं बेली फैट जाएगा या नहीं जाएगा, बट ये टोटली आपके बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, सबका अलग अलग बॉडी टाइप होता है। तो मेरा तो रिड्यूस हो गया है, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका रिड्यूस नहीं हुआ है। तो और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा मतलब आपको फ़ैट खाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको बेबी को फीडिंग करानी है तो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा फ़ैट आप खाए पड़े हो तो उससे तो बेली फैट बढ़ेगा ही आपका और चर्बी भी बढ़ेगी ही। तो डाइट आप उस तरीके से खाओ कि प्रोटीन वगैरह ज़्यादा खाओ, जिससे कि आपका जो मिल्क है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाओ। एंड इतना ज्ञान बांटने के बाद मेरी एनर्जी लो हो गई है, सो अभी मैं जा रही हूँ खाने, ऑरेंज छील के रखे मैंने, फ़ैन की आवाज़ आ रही है गाइस, तो उसको थोड़ा सा वो करना, अभी मैं सुनूंगी अगर अच्छी सवाई सही होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर लूँगी जो मैंने अभी बोला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती थी थोड़ा बहुत। अभी मैं ऑरेंजेस खाती हूँ, उसके बाद रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ना 2 घंटे बाद फिर ये उठ जाएगी, आज 1 घंटे बाद और 1 घंटे हो चुके हैं इसको लेटे हुए, 1 घंटा और हो जाएगा, तो इसको उठा के फिर फीडिंग करानी देती है हर 2 घंटे में, मतलब मैं अपनी संतुष्टि के लिए करवा देती हूँ उसको कि भूख ना लगे। ठीक है गाइस, तो 2 बजने वाले हैं, भूख बहुत तेज लग गई, जल्दी जल्दी सलाद बनाया उसके बाद खाना खाते हैं। फैन ऑफ कर देती हूँ, कोई काम नहीं है, धूप आने देते हैं, थोड़ा सा रूम फ्रेश हो जाएगा।
लास्ट टाइम पुराना घर देख लेते हैं। अब तुम लोग नए घर में चली आओगी। इन लोगों को पानी सही पलटेंगे ना उसमें, पानी सही पलटेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी। आज एसी भी रिपेयर हो गया एंड फिर स्पॉन भी आ गया है दूसरा नया, बड़ा लग गया है भाई। बहुत गर्मी है, हेलो दादा, हाय हाय दीदी, हाय वे तुम के चाचा अब खेलने आए हैं। दादा बेटो के लिए क्या खिलौना लेके आए हो? तो साथ 10:30 बज गए, बीच में ना इतना ये रूठी है, रोई है कि बीच में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग करने का। सो अभी मैं खाने जा रही हूँ खाना, और कल से मैं ना रूटीन अपना सही करने जा रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत ना उल्टा सीधा रूटीन हो गया। रात भर ये जगती है, दिन में सोती है, लेकिन आज ना दिन में जगी हुई है अच्छे से, इसलिए 10:30 बजे मैंने इसको सुला दिया। देखते हैं आज कितने बजे उठती है, तो उस हिसाब से ही रूटीन शुरू होगा। मैं अभी ट्राई करूँगी जल्दी उठ के नहा धोके सुबह से ही मतलब अच्छे से रूटीन स्टार्ट करूँ ना, तो थोड़ा सा माइंड भी सही रहता है, नहीं तो फिर रात में मेरा भी जगना हो जाता है ना, तो अजीब से ही मतलब डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो अब देखो क्या होता है, बोल तो रहे हैं लेकिन कर पाते हैं कि नहीं। स्किन भी मेरी बेटर हो रही है धीरे धीरे, अभी फेस वॉश करना है थोड़े से ना, यहाँ पे दाने एकदम मतलब जैसे जिद्दी दाग उस टाइप के हो गए, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रोटी एंड सब्जी खाऊंगी, दूध पीऊंगी बस, अभी मेरा यही खाना चल रहा है। मतलब ज़्यादा ज़्यादातर डाइजेस्टिव फूड ही खा रही हूँ मैं, ज़्यादा घी नहीं खा रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर ना फैट इकट्ठा होने का ना ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार से मतलब ना अपने रूटीन में आ जाओ, उसके बाद मैं घी खाऊँ, क्योंकि घी तो मेरा फेवरेट है। वैसे कभी भी घी और चावल इन सब चीज़ों से मुझे फैट हुआ नहीं है, बट इन केस कभी हो जाए तो अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये उठ गई, थोड़ा सा सुला दो, थोड़ा सा 7 बजे तक उठती हूँ।